बटाला के नजदीकी लुधियाना महला विच सके भरा भरजाई वालों विधवा ननाण की मार कुटाई की गई। विधवा सतनाम कौर जो कि पति की मौत तो बाद कबाड़ इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। इस मार कुटाई के चलते सतनाम कौर जख्मी हो गई। जब उसने पुलिस को शिकायत की तो उल्टा पुलिस ने उस पर ही कार्रवाई करने के बजाय सतनाम कौर पर ही कार्रवाई कर दी। सतनाम इंसाफ की गुहार लगा रही है। उत्थे विधवा सतनाम की भरजाई माया ने उल्टा अपनी विधवा ननाण से दोष लगाते हुए कहा कि ननाण के बेटे ने उन्हां दी बहू से हमला करके उसनू जख्मी कर दिता सी। थाना धारीवाल की SHO रजिंदर कौर ने कहा कि इस मामले नू लैके तफ्तीश की जा रही है अते बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुई, वही हिमाचल वाला वो लड़की वाला बात है। उसके बाप ने, लड़के का बाप ने बोला लड़की लेके भाग जाना, मैं पुलिस थाना देख लूंगा। ठीक है, मेरी बहू ने आके पूछा जे हाँ भाई तुमने बोले थे, उसने बोला हमने नहीं बोले। तो बोला उस ननद के साथ नहीं कोई झगड़ा होया, ननद की बहू ने गालियां दिया हमारी पोतियों को, बोलते पैदा करो तुमने। तो आप पहले बताओ, कोई अपने बेटियों को कोई गाली देगा, कोई सास सुनेगा पोतियों का बारे में? पहले बताओ, कोई नहीं सुनता। ऊपर से फिर बाद में उन लोग गाली गुप्ता देके आप हाथापाई करे उन लोग खुद ही। बाद में लड़के, हमारे लड़के तो काम पे गए थे, हमारे से कोई नहीं, हम जनानी जनानी थे, उसके लड़के पीछे से आके बाहर करे। पहला भी राजीनामे होए कहंदे काम ही इन्हां दा है, रोज झगड़ा करदे। हम नहीं कभी ऐसा राज्य का राजीनामा में कि इनके साथ लड़ाई करेंगे। हमारे को क्या, रोज सुबह उठ के हमने जाना बोरी लेके 150 कमाने के लिए, हम लड़ाई करेंगे इनके साथ? आप बताओ हमारे पास क्या है घर पे? वो टूटा फूटा घर है, वो भी तो बारिश आने से पहले पानी चूता है, कहाँ जाएंगे हम? हम इनका जैसे शेर तो नहीं बनते। मुंडे ने मारिया भाजी, कल्ली नु पे यार। नहीं भाजी, मुंडे ने मारिया या कल्ली नु नहीं पे, ये सारी झूठ गल है जी। आपा तुहानू कहन दे ना झूठ, मेरी गल नु ते होर भी बंदे आ गए इधर जिन्ना ने सारे पड़ी हमारे साथ लड़ाई, सासु भी भेजती इन्होंने। हुण सारी गल जे तुसी सुननी चाहिदी, जो लड़ाई कर करके होया ते सुनने गल सारी तेरी भी सुनांगे, जे उहनां दी सुनी जे तुहाडी क्यों नहीं सुनांगे? कुछ नहीं होया, ये लड़की हिमाचल मेरी बहन है, हिमाचल में रहते है ये, और मेरा घर भी वहीं पे है। तो सुनवाई भी नहीं हुई इनकी, भी लड़की वहीं पे, मतलब बहू है इनकी, वहीं पे रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, उसके चिपके लेके जाना है, भगा के तू ले जा, छोटी बहन लग गई ले जा, तो हम देख लेंगे। तो हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला। आके यहाँ पे मेरी मम्मी ने प्यार से बोला इनको, इन्हें दसा जाके कालिया मामा आया, कालिया नाम है, कालिया के लड़के का नाम शंभू है। तो उन्होंने कहा इसको कि भगा के ले। मेरा हस्बैंड की 4 साल हुई डेथ हुई, तो ये 8 तारीख की लड़ाई थी, तो कोई बातचीत नहीं थी। सवेर का लड़ी जरा लड़ जरा लड़ तो मैं घर आई, काम करके घर आते साथ ही अपना परिवार लेके मेरे भरा पर जाई, तो उनका पूरा फैमिली मुझे मारा आके, मेरा बहू को, मेरा मेरे को, तो मेरा बच्चा घर पे नहीं थे। जब लड़ाई हो रहा था, मारपीट हो रहा, मेरा दोनों बच्चे बाद में आया, तो मेरे बच्चे को भी ये दोनों पड़ गया। तो फिर मेरा बच्चा बोलने लगा चल मम्मी थाने चलते, फिर थाना जाके मैं पर्चा दे आया, तो ये लोगों ने मेरे पीछे अपना आप सिर फाड़ के, तो अस्पताल भर्ती हो गया। तो उन्होंने मेरा मतलब कि सुनाई के जगह पे उनकी सुनाई कर रहा है, कि मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पर्चा उल्टा आपके ऊपर हो गया? हाँ, मेरा ऊपर कर दिया पर्चा, ऊपर से 40,000 रुपया मेरे ऊपर इंजाम दे रहा कि 40,000 रुपया दो, फिर जाके हम केस रफा दफा करेंगे। कौन मांग रहा है 40,000? वो मेरा भाई का बेटा कालू। कारण क्या रहा इस झगड़े में? बोलता कि उनकी सिर फोड़ा मैंने, पर मैंने, हमने कोई सिर सुर नहीं फोड़ा, पर उन्होंने मेरे को घर पे घुस के मार के गया, मैंने नहीं मारा। हुआ आपका, उसके पीछे क्या काम? उसके पीछे कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैं तो काम कर रही थी, काम करके घर पे आई, नाजायज लड़ रहा था, मेरे को तो खुद नहीं पता लड़ाई का बात क्या है, क्या बात से लड़ाई होया, क्या होया क्या नहीं। मैं घर आते साथ ही मेरे को गाली या निकाल रहा है, तो गाली निकाल रहा, तो आते साथ ही मेरे को घर पे घुस के मारा। कितने लोग थे? वो 8 परिवार थे, वो एक मेरा भाई था, एक परजाई था, भाई का बेटा था, बहू था, 2 बेटी थी, 3 रिश्तेदार थे उनके। अब आप क्या चाहते हो? मेरे को भाई इंसाफ चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ इनसे, बहुत। मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, मैं एक विधवा जनानी हूँ, 2 बच्चे, एक बहू, तो मुझे ये जीने नहीं दे रहा। बहुत गाली देता, बहुत ज्यादा, जीना मुश्किल कर दिया मेरा। सगा भाई, सगा। जब मैंने पता लगा इस केस बारे, और इतने कल मैं पहुंचा वा, और जब देखा वा के बड़े माड़े हालात जी उस भैन दे, और मेरे को वेख्या नहीं गया। चलो उन्होंने मैं पूरी गलबात सुनी आ, और जब मैं सारी बस्ती वालों को इन्होंने को पूछा वा, प्रधान नाल भी मैं मिलिया वा,
प्रधान साहब ने मैनूं दस्या है कि वह बंदे जिहड़े आ पूरे ही गलत ने बंदे किसी पासों भी सही नहीं हैगे। वह बेचारी विधवा जनानी आ, उहदे घर आण उहनूं पए आ किन्ने जाणे, उहनूं कुट्टिया मारिया वा, ना उहदे कोल बेचारी कोई तुरिया जांदा उहो जिहा, ते ना ही उह कोई काम ही कर सकदी आ। और अपना वह कम जिहड़ा भी इहनां दा कारोबार आ, उह बेचारे सवेरे काम ते चल जांदे, शाम नूं अपने घर आउंदे आ। और वेखो फिर इहनां ने दरखास्त भी दित्ती आ थाने दे विच, और उत्थे भी इहनां दी जिहड़ी कोई कारवाई नहीं पई। और मैं ये गल करनी चाहवांगा कि जेकर इस तरह हालात बने रहणगे, गरीब बंदियां दी सुनवाई नहीं होवेगी, मेरी टीम और मेरी एक अपनी संस्था हैगी आ PPM, और उहदे विच मैं चेयरमैन आ, मैं सारी दुनिया नूं इकट्ठे करके मैं धारीवाल दे विच अपना भुख हड़ताल ते बांगा जिन्ना चक्कर इहनां नूं इंसाफ नहीं मिलदा। और मैं पुलिस ने कोई कारवाई नहीं कीती जी इहनां ते, उल्टा इन्हों से परचा करता, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा इन्होंने उत्ते परचा कर दिता वा। जबकि मैं सारी छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन की, वह बंदे सारे दरअसल गलत ने, पूरे दे पूरे गलत ने। भी एक भी कह लिए भी जब बंदे कोई माड़ी मोटी भी गलबात होंगी है किसी पास्यों भी वह सही नहीं है। और जब मैं इन्हों की पूरी हड्डबीती सुनी, इन्होंने को गलबात सुनी आ, और वेख्या इन्हों मैं ये पाया कि सही ने अपनी जगह पर। और मैं अपने CM साहब ने भी एक मैसेज देना चाहवागा कि CM साहब वेखो तुसीं गरीबां लई सरकार बनाई आ, ते जे गरीबां नाल ही इदां होऊगा ते कित्थे जाणगे। और मैं तुहानूं एक मैसेज होर तुहानूं देना चाहुंदा वां कि जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि सरकार साडी इसे तरह बनी रहे, ना टुटे, तुहानूं वोट मंगण दी लोड़ ना पए, ते गरीबां दे काम करो, उहनां दे हक विच बोलो, और प्रशासन नूं वी तुसीं हिदायत करो कि गरीब बंदे दी जिहड़ी सुनवाई जिहड़ी होणी चाहीदी। इस बंदे SI पलविंदर कुमार जो है उह इस मैटर नूं डील कर रहे आ, उन्होंने मैटर जो इन्वेस्टिगेट किया। इस वालों जो भी स्टेटमेंट पार्टी दिंदी है, जो रिपोर्ट्स आदि ने मेडिकल रिपोर्ट्स, उस अकॉर्डिंग जो बनती कार्रवाई है अमल में ली जाएगी। गुरदासपुर तो लापरीत खुशी पर रिपोर्ट।